आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एम्स गिल इन्फोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको कश्मीरी पंडित और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत साका सुनेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब भारत को इस्लामी देश बनाने की महत्वाकांक्षा रखता था। औरंगजेब ने तय किया कि अगर वह कश्मीर के पूज्य ब्राह्मण पंडितों का धर्मांतरण कर सके तो लाखों अनुयायियों का धर्मांतरण आसानी से हो जाएगा। कश्मीर में धर्मांतरण का एक छोटा हिस्सा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, फिर भी बादशाह का प्रयोग कश्मीर में किया गया। कश्मीर के वायसराय इफ्तिखार खान ने इस नीति को सख्ती से लागू किया और गैर मुसलमानों को बलपूर्वक धर्मांतरित करना शुरू कर दिया। धर्मांतरण या मौत की धमकी से घबराए पंडितों ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चकनानक की परगना कहलूर जींद परगना में तलौदा के पुरोहित की भाट वही डायरी में एक समकालीन प्रविष्टि से में आकर गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। बातचीत की गंभीरता को सुनकर गुरु जी के 9 वर्षीय बेटे गोविंद राय जी ने अपने पिता को बताया कि समस्या क्या थी। गुरु ने अपने बेटे को पंडितों की दुविधा के बारे में बताया और कहा कि इसके लिए एक पवित्र व्यक्ति को सचमुच अपनी जान देनी होगी। गोविंद राय ने जवाब दिया, गरीब ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आपसे बेहतर कौन होगा। गुरु तेग बहादुर जी ने पूजा की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए खड़े होने का फैसला किया और प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे औरंगजेब से कहें कि अगर वह गुरु तेग बहादुर को धर्मांतरित कर सकता है तो वे खुशी से धर्मांतरण करेंगे। फिर गुरु की सलाह पर पंडितों ने मुगल अधिकारियों से कहा कि अगर तेग बहादुर भी ऐसा ही करते हैं तो वे स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपना लेंगे। गुरु की गिरफ्तारी के आदेश औरंगजेब द्वारा जारी किए गए थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून विद्रोह को दबाने के लिए थे। ऐसा लगता है कि जैसे ही बादशाह औरंगजेब को उनके घोषित इरादे की सूचना मिली, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए थे, क्योंकि उन्हें 4 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। भटवाही मुल्तानी सिंधी में एक प्रविष्टि इस प्रकार है, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु जी को रोपड़ पुलिस चौकी के नूर मोहम्मद खान मिर्जा ने 12 जुलाई 1675 को मलिकपुर रंगेरान परगना घनौला में हिरासत में लिया और सरहिंद भेज दिया। उनके साथ दीवान मती दास और सती दास, हीरानंद छिब्बर के बेटे और दयाल दास माई दास के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें 4 महीने तक बस्सी पठाना में हिरासत में रखा गया। निर्दयी बंदी बनाने वालों ने गुरु पर बहुत अत्याचार किए, फिर उन्हें लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया और दिल्ली ले जाया गया, जहां वे 4 नवंबर 1675 को पहुंचे। गुरु को जंजीरों में जकड़ दिया गया और उन्हें तब तक यातनाएं दी गईं जब तक कि वे इस्लाम स्वीकार नहीं कर लेते। जब उन्हें उत्पीड़न से बचने के लिए अपने धर्म को त्यागने के लिए राजी नहीं किया जा सका तो उन्हें अपनी दिव्यता साबित करने के लिए कुछ चमत्कार करने के लिए कहा गया। ऐसा करने से इनकार करने पर तेग बहादुर को 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से सिरकलम कर दिया गया। गुरु जी को हिंद दी चादर यानी भारत की ढाल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने मुगल भारत में गैर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।